2.2 का फोर्थ क्वेश्चन, शेड। शेड करनी है आपने 1/2 पार्ट ऑफ सर्कुलर इन बॉक्स, जो सर्कुलर बॉक्स है इसके 1/2 पार्ट को। आपको टोटल बॉक्स जो है 12 दिए हुए हैं, यानी 6 पार्ट को आप शेड करोगे। ऐसे ही 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स बी, बी बॉक्स में आप 2/3 पार्ट को शेड करोगे, यानी कि 2 पार्ट शेडेड कर दिए हमने और 1 पार्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। ऐसे ही 3/4 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी, सी बॉक्स में भी हमने 3/5 पार्ट जो है लेने हैं, तो 3 पार्ट को शेडेड किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, 1/2 ऑफ पार्ट 1 में 24 का 1/2 पार्ट निकालना है आपने, तो 24 को लिया हमने मल्टीप्लाई में 1/2 के, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 से कट हो गया, ये 12 जो है आपका 24 का 1/2 पार्ट आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका 46, 1/2 × 46, इसको भी आपने कट कर लिया 2 की टेबल पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। इसी तरह आपके अगले क्वेश्चन है आपके 2/3 ऑफ 18, 27, ये आपने स्वयं करने हैं, इसको आप क्वेश्चन को खुद करके देखना और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछना। अब है आपका 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना है मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 × 3 × 5 and 1/5, 3 × इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5 × 5 = 25 और 1 × 26/5 = अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से ये आ गया हमारा 78/5, अब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारा आ गया 15 × 3/5। ऐसे ही हमारा देखो इसका ई पार्ट है, इससे थोड़ा सा अलग है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 6, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 13/4 × 6, अब जो हमारे जिस सेम टेबल से कटते हैं उनको ऐसे ही काट लिया, जैसे 4 जो है 2 की टेबल से जाता है और ऐसे ही 6 जो है 2 की टेबल से कटता है 3 पे, 13 × 3 = 39/2, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ऐसे ही आपने 6 के भी ये सारे पार्ट करने हैं यहाँ तक एफ तक। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड 1/2 ऑफ 2 ul 3/4, इसको आपने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट इसका बाद में करना, पहले फर्स्ट पार्ट देखो। 1/2 ऑफ, अब इस जो ऑफ में दे रखा है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये 11/4 जो है 1/2 × 11/4, 11/8, 11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 4 के साथ 8, 11/8, फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1 × 3/8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, टोटल वाटर उसके उनके पास 5 लीटर है बोतल के अंदर, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, विद्या ने उस बोतल का 2/5 ड्रिंक किया है और प्रताप ने लास्ट जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पिया। फर्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, और सेकेंड क्वेश्चन में है वट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो देखो विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ 5 लीटर, क्योंकि टोटल पानी हमारे पास 5 लीटर की बोतल थी, तो 2/5 × 5 = 5 से 5 कट और 2 लीटर जो है वो विद्या ने कंज्यूम्ड किया, बाकी एक बोतल थी वो हमारे पास, एक बोतल में से 2/5 विद्या ने जो ड्रिंक किया है, उसके बाद जो शेष पानी बच गया उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 − 2/5, तो यहाँ एलसीएम लेके माइनस किया इसको, 3/5 पार्ट जो है वो प्रताप ने कंज्यूम किया है। अब उस प्रताप का हिस्सा हमने निकालना है 5 लीटर बोतल में से, तो प्रताप कंज्यूम 3/5 ऑफ 5 लीटर वाटर्स, 3/5 × 5, 5 से 5 कट, 3 लीटर वाटर जो है प्रताप ने कंज्यूम किया है।